दोस्तों नमस्कार। फरीदाबाद के अंदर भी जैसे पूरे हरियाणा के अंदर नामांकन पत्र भरने का कार्य तेजी से चल रहा है, वैसे फरीदाबाद के अंदर भी वो जारी है। आज पृथला विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। एक सादे समारोह में पहुंचे नैनपाल रावत ने एक बार फिर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गद्दारी करने का आरोप लगाया। नैनपाल रावत ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने न केवल उनके साथ बल्कि पूरे पृथला के साथ गद्दारी की है। नैनपाल रावत ने कहा कि आने वाले दिनों में वो चंदावली में उसी मैदान में एक फिर बड़ी रैली करेंगे और जनता के सहयोग समर्थन से फिर जीतेंगे। नैनपाल रावत ने यह भी दावा किया कि हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और निर्दलियों के सहारे सरकार बनेगी। सुनिए क्या कहा नैनपाल रावत ने। देखिए, हर व्यक्ति अपने प्रति जीत के प्रति आश्वस्त होता है, लेकिन मैंने 2019 का चुनाव भी आप सबने देखा होगा, जनता जनार्दन के सहयोग से, 36 बरादरी के सहयोग से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता। और क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देना, टिकट काटने के बावजूद इनके साथ खड़ा रहना और उसके बाद दूसरी बार ये मेरे साथ काम करना, और ना केवल ये धोखा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, मेरे पृथला परिवार की 36 बरादरी को धोखा दिया है। पहले से ज्यादा उत्साह, पहले से ज्यादा जोश, पहले से ज्यादा उमंग मेरे हजारों हजारों साथियों में है और निश्चित तौर पर आश्वस्त तो सभी रहते हैं, पृथला विधानसभा दोबारा से एक इतिहास बनाने जा रही है, पहले से बड़ी वोटों के साथ मुझे चंडीगढ़ पहुंचाने जा रही है, ऐसा मेरा विश्वास। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, जनता के हमेशा जो किसी भी व्यक्ति के या राजनीतिक व्यक्ति के जो मुद्दे होते हैं वो केवल विकास के होते हैं, और विकास के मुद्दों के साथ साथ मैंने जिस प्रकार की सेवा, जिस प्रकार की तन्मयता के साथ भगवान को भी और जनता को भी अपना भगवान मानकर जैसे मैंने इनकी सेवा लगन से की है, मेरे पृथला परिवार के सभी लोग, माता बहन बुजुर्ग युवा छोटे बच्चे सभी मेरी सेवा से संतुष्ट हैं। और जो डेवलपमेंट के काम पिछले दिनों रह गए हैं, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल ही हमें मिल पाया कोरोना के कारण, तो उन सबको पूरा करना हमारी प्राथमिकता में है। लगभग अगर रोड्स की बात करूं तो 300 करोड़ से रोड सुधारनी है, लेकिन फिर भी शिक्षा चिकित्सा या रोड्स इनमें कोई कमी रह गई है तो उन सबको कम्प्लीट करने का। किससे मुकाबला देख रहे हो आप? मेरा मुकाबला पहले भी किसी से नहीं था, आज भी किसी से नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र की जनता एक मेरे हिसाब से रौद्र रूप ले चुकी है और पहले से अधिक वोटों से जिता करके चंडीगढ़ भेजेगी, और कई लोगों की इसमें जमानत भी जब्त होने वाली है। पिछले दफे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त की थी और इस बार भी ये निश्चित है, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी और बाकी जो कैंडिडेट है वो हमारी वोटों को छू नहीं सकते। मैं मीडिया हो या अन्य जन हो, मैं हर इंसान से हर वर्ग से दिल से लगाव करता हूँ। अगर कोई मीडिया का बंधु ही अपने आप को खुदा या भगवान समझने लगे तो वो बेशक से किनारा कर सकता है, और मैं इन बातों से ना किसी दबाव में आने वाला हूँ। मैं अच्छे अच्छे पन्ने गाँव से और पार्टियों से दबाव में नहीं आया। चुनाव चिन्ह जो मिलेगा वो जो परमात्मा को मंजूर है, 3 चुनाव चिन्ह हमने भरे हैं, कैंची है, सिलाई की मशीन है और गैस का सिलेंडर है, इन तीनों में से एक चुनाव जो भी मिलेगा वो जनता जनार्दन को समझ। देखिए, पहले तो किसी के पीछे बिचारा ना लगाएं, टिकट अगर उसका कटा तो मेरा भी कटा है, और हर व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन ये अलग बात है कि कोई किसी के चंगुल में आकर के कुछ ज़्यादा खर्च कर बैठता है तो ये उसने एक नुकसान जरूर उठाया। बाकी भाई का सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो भी लड़े और भी लोग लड़ेंगे, और हर किसी का मन करता है, ये तो राजकाज है, देवता भी इस गद्दी को जो ना चाहते हैं, तो राजकाज है, इसमें सबको जाना अच्छा लगता है, और हम तो शुभकामनाएं देते हैं भाइयों को, क्योंकि ये चुनाव है, एक बार में किसी के हाथ नहीं चढ़ता, समय समय पर कई कई चुनाव जनता लड़ाती है, जनता उसमें वजन देखती है। और जीतने के बाद समर्थन किसको देंगे? देखिए, जीतने के बाद ये तय कर दिया पूरी जनता जनार्दन के सामने, जो जब भी किसी पार्टी को हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था, जिस प्रकार के टिकटों का वितरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इनके 75 पार के नारे के अगेंस्ट मैंने कहा था 35 सीटें पार नहीं करेंगी, और अगर ये थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी ना कराते तो शायद 35 से भी नीचे रुकने वाले थे। 85 का दिया, अब 85 तो चलो भूल जाइए, तो वक्त बताएगा। सीटें किसी की भी आने वाली नहीं है बराबर की, वही इंडिपेंडेंट MLA की सबको जरूरत पड़ेगी, और मैं कहता हूँ कि ये मेरे साथ सौभाग्य में है कि जो कमी मेरे मान सम्मान में पीछे किसी पार्टी ने छोड़ दी थी या मेरे क्षेत्र के मान सम्मान में पार्टी ने छोड़ी थी, वो अब की बार पूरी होगी,
और वही चनावली ग्राउंड में एक बार बड़ी रैली का आयोजन करके जनता के सामने आना होगा। जो भी पार्टी को समर्थन चाहिए उसके शीर्ष नेतृत्व को आना होगा और मेरी जनता से समर्थन मांगेगा, तब नैनपाल रावत समर्थन क्या रहने वाला है। देखिए मार्जिन मैंने बता दिया, कुछ लोगों की जमानत जब्त होगी, कुछ लोग हमारी जो वोटों की तादाद है उसको छू नहीं पाएंगे, ऐसा मार्जिन रहने वाला है। धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।